जैसा आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त के दिन थाना मोगट के ग्राम टिटगांव में सुबह दो पक्षों के बीच में विवाद की घटना सामने आई थी। तत्काल स्थानीय पुलिस और यहां से कंट्रोल रूम से बल ग्राम टिटगांव में पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई है कि गांव में ही एक नाबालिग आदिवासी समाज की लड़की है, जिसके साथ वहां के एक नबीम और गोलू नाम के युवक ने छेड़खानी की, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। उसकी रिपोर्ट कल उन्होंने थाने में नहीं कराई थी, आज उसी रिपोर्ट कराने की बात को लेके गांव से आने के लिए बोल रहे थे। वहीं पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उस विवाद में वहां पे एक पक्ष ने मारपीट करी, जिसमें करीब 5-6 लोग घायल हुए, और जो घायल हुए उनमें से एक व्यक्ति की उस सर में चोट आई थी और टांके आए थे, जिस पर से उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में और बलवे का प्रकरण थाना मोगट में कायम किया जा रहा है। इस प्रकरण में 6 जो आरोपी घटना में शामिल थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी तक कुल 10 आरोपी थे, उसमें से 6 दूसरे पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट हुई थी। उस मारपीट में बलवा और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। जिस लड़की के साथ घटना कल हुई थी उसकी रिपोर्ट पर आरोपी नदीम और गोलू के विरुद्ध छेड़खानी पॉक्सो एक्ट और SC ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही आज की घटना में भी गोलू आरोपी है, उस पर अन्य गंभीर अपराधों में धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां पे जाके स्थिति को सामान्य किया और वहां लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी है। किसी तरह का कोई अभी गांव में तनाव नहीं है, सामान्य स्थिति, फिर भी एहतियातन पुलिस का बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार अभी प्रयास करेंगे और शीघ्र अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। साथ ही जिन आरोपियों ने आज वहां पे झगड़े किए हैं उनके विरुद्ध सख्त अपराधों में सख्त कार्रवाई करेंगे, साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी हम लोग कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध करेंगे। और अगर कोई ऐसा आरोपी पाया गया जिसने कहीं इस तरह के बार बार घटनाओं में शामिल हो रहा है तो उनके विरुद्ध अन्य जो वहां पे उनके अतिक्रमण या दूसरी चीजें हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।